देवास में भी रोड पर रामनगर चौराहे से बावड़िया तक बन रहे फ्लाई ओवर के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सुबह व शाम के समय निर्माणाधीन फ्लाई ओवर की सीमा में जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। लोगों की समस्या को देखते हुए SP डॉक्टर शुदयाल सिंह, निगमायुक्त विशाल सिंह, यातायात DSP किरण शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने AB रोड पर चल रहे निर्माणाधीन फ्लाई ओवर की स्थिति को देखा और वहां से संकरे मार्ग को व्यवस्थित करने के निर्देश संबंधित निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के अधिकारियों को दिए। SP सहित अन्य अधिकारियों ने AB रोड पर सर्विस लेने पर पैदल भ्रमण भी किया और यातायात व्यवस्था को सुगम करने के निर्देश दिए। SP डॉक्टर शुदयाल सिंह ने बताया कि AB रोड पर जो निर्माण कार्य चल रहा है और बारिश का मौसम है जिससे ट्रैफिक की समस्या हो रही है, दिन भर व्यवस्थित ट्रैफिक चले इसलिए हमने एक विजिट प्लानिंग नगर निगम व PWD के अधिकारियों के साथ की थी, जिसमें जहाँ जहाँ हमें जिस जगह पर लग रहा है कि छोटे मोटे निर्माण कार्य उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है, आगामी दिनों में लोगों को समस्या ना हो उसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देखिए, AB रोड पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और दूसरा बारिश का मौसम, इसमें ट्रैफिक का कंजेशन नहीं हो, कहीं पर किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, स्मूथली ट्रैफिक चले दिन भर और स्पेशली ऑफिस आवर्स में। इसके लिए हमने आज एक विजिट प्लान की थी नगर निगम के और PWD के अधिकारियों के साथ। इसमें जहाँ जहाँ पर कंजेशन हो रहा है, जिस जिस जगह पर हमको लग रहा है कि वहाँ पर कुछ छोटे मोटे निर्माण कार्यों के हिसाब से उसको ठीक करने की आवश्यकता है, स्लिप लेन बनाने की आवश्यकता है, मोड बनाने की आवश्यकता है, उनके बारे में डिसाइड करने के लिए हमें रखा गया था। कई जगह अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनको ठीक करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि जो ट्रैफिक का कंजेशन है, जो परेशानी है, उनको हो जाए। क्या वन वे किया जाएगा? स्कूल की जब छुट्टी होती है, जब ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ता है, उसी समय क्या? जैसा मैंने बताया है कि ऑफिस आवर्स में जब 10-11 बजे मॉर्निंग में और 3-4 बजे जब लोग ऑफिस जाते हैं, आते हैं, फैक्ट्रीज में कर्मचारी जाते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है, उस टाइम पर दिक्कत आती है ट्रैफिक में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, जो फ्लाई ओवर का निर्माण हो रहा है इसके लिए। तो उन आवर्स में, उन घंटों में किस तरह से ट्रैफिक को हम लोग स्मूथ कर पाएँ, जहाँ जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हैं, जहाँ जहाँ पर कंजेशन है, उसको कैसे डिकंजेस्ट कर पाएँ, इसके लिए ये विजिट प्लान की गई थी और अभी निर्देशित किया है। आपको एक दो दिन में काफ़ी प्रभावी सुधार इसमें देखने को मिलेगा। हम ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि यदि कहीं पर वन वे किए जाने की आवश्यकता है, लोगों को मिनिमम असुविधा हो, लेकिन जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक को स्मूथ किया जा सकता है, वहाँ पर यदि कोई वन वे डिसाइड होगा तो फिर वो भी आप लोगों को बता दिया। सर, मिश्रीलाल नगर पे पिछली बार ये सब सुविधाएं की गई थी, कुछ दिनों तक वो लीगली बात रहा, लेकिन बाद में हट गया वो, और बाद में फिर वापस जब नए ट्रैफिक का मुद्दा आया है तो ये सब हो रहा है। जैसा मैंने बताया, अभी जो फ्लाई ओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जब तक ये कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, तब तक हमको टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, चाहे वो ट्रैफिक लाइट्स के हैं, चाहे पॉइंट्स के हैं, नई एंट्रीज, नए एग्जिट्स निकालने पड़ेंगे, सर्विस लाइन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा और हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि स्लिप लेंस बना बना के हम ट्रैफिक को डिकंजेस्ट करें। सर, यदि बात की जाए सर्विस लाइन की, तो यहाँ पर अधिकतर गाड़ियों के पार्किंग हो रहे थे सर्विस लाइन पर, सर क्या है, कड़ा कार्रवाई हो पाएगी इस पर? देखिए, इस विजिट के साथ साथ हमने ट्रैफिक के और लोकल थाना पुलिस के अधिकारियों को भी रखा है। उनको निर्देशित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्विस लेन पर अपनी बाइक, अपनी गाड़ी पार्क करता है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि वहाँ से निकलने वाले ट्रैफिक को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। निर्माण कंपनी शुरू से लापरवाह से रही है, उन लोगों के अधिकारियों को भी लिया है, उनके जो ठेकेदार काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनको भी साथ में लिया है। जो जो असुविधाएं हो रही हैं पब्लिक को, उन सबको आज निर्देशित किया जाए और उनके ऊपर सख्ती से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।